पता नहीं घूम फिर के एक सवाल तो लोग अक्सर पूछ ही लेते हैं, भाई तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में, और बड़ी ही आसानी से पूछ लेते हैं। अब ये तो आप और मैं ही जानते हैं कि इस सवाल का जवाब इतना भी आसान नहीं है। मतलब कौन सा गोल सेट किया है तुमने, मतलब क्या जवाब दे समझ ही नहीं आता। और इसका रीजन यही कि पहले कोई ये तो बताए कि ये गोल होता क्या है। बात तो सही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पहले तो ये पता लगाते हैं कि ये गोल क्या होता है और क्या गोल नहीं होता है, ताकि गोल बनाने के लिए क्लैरिटी मिल सके। उसके बाद हम जानेंगे कि गोल बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और फिर हम समझेंगे कि गोल कैसे सेट करें कि हम उसे आसानी से अचीव भी कर सके। तो यानी आज का ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए इसे पूरा जरूर से देखिएगा। और अब चलते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि ये गोल है क्या। आपका गोल, आपका लक्ष्य वो है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। ये फ्यूचर के लिए आपका विजन है। ये वो डिजायर्ड रिजल्ट है जिसे आप प्लान करते हैं और उसे अचीव करने के लिए कमिटेड रहते हैं। गोल्स अक्सर लॉन्ग टर्म होते हैं जो आपकी लाइफ और करियर से रिलेटेड होते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि गोल आपका ऐसा सपना होता है जिसकी एक डेडलाइन भी होती है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव, रेजोल्यूशन और मिशन गोल नहीं होते। हाँ, लेकिन ये गोल अचीव करने के स्टेप जरूर हो सकते हैं। तो फाइनली ये तो पता चला कि गोल क्या है, लेकिन ये गोल सेट करने की जरूरत क्यों है। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग गोल सेटिंग और सक्सेस अचीव करने के बीच डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। जितना प्रॉपरली डिफाइंड गोल होगा, उतने ही क्लियर न्यू बिहेवियर्स ट्रिगर होंगे, जो आपका फोकस उन टास्क पर लगाएंगे जो सक्सेस अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यानी गोल सेट करके आप उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी सक्सेस है। फिर चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, फिट बॉडी हो, या फिर एग्जाम में टॉपर बनना ही क्यों ना हो, ये कुछ भी हो सकता है। और गोल सेटिंग से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। गोल सेटिंग से आप में एक सेंस ऑफ पर्पस डेवलप होता है, आपके फ्यूचर पर आपको कंट्रोल मिलने लगता है, आप बेहतर करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं और अपनी जिंदगी को एक बेहतर शेप दे पाते हैं। इसका मतलब गोल सेट करना सक्सेस के लिए वाकई में बहुत जरूरी है। आप भी एग्री करते हैं ना? तो चलिए आगे पता लगाते हैं कि गोल सेट करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। तो सबसे पहले आप अपने पैशन को कंसीडर करें, यानी आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या आपको इंस्पायर करता है। इस टाइम ये भी ध्यान रखें कि आपका गोल मीनिंगफुल हो और उसे अचीव करने के बाद आपको प्राइड फील हो। जैसे शायद आप एक बेस्ट सेलर बुक लिखना चाहते हो, या फिर एक सिंगर बनना चाहते हो, या फिर IIT में एडमिशन लेना चाहते हो। रियलिस्टिक गोल्स बनाइए जिन्हें आप अचीव कर सके और जो आपके कंट्रोल में हो। जैसे प्लेयर के लिए कोई ट्रॉफी अचीव करना, एक एम्प्लॉय के लिए अपने ऑफिस की हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचना, एटसेट्रा। तो चलिए, गोल्स मीनिंगफुल, रियलिस्टिक और प्राइड फील कराने वाले होने चाहिए। ये जानने के बाद अब आगे जान लेते हैं गोल सेटिंग के वो स्टेप्स जो आपके लाइफ गोल्स अचीव करने में आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। नंबर एक पर है स्मार्ट गोल्स बनाइए। गोल्स अचीव करने हैं तो उनका स्मार्ट होना जरूरी है। और स्मार्ट में S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रेलेवेंट और T फॉर टाइम बाउंड होता है। तो अगर आपका गोल ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो एक परफेक्ट गोल है जिसे अचीव करने में आपको अभी से जुट जाना चाहिए। जैसे आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में इंजीनियर बनना है और लिमिटेड टाइम पीरियड में टॉप कंपनी में एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज पर रिक्रूट होना है। इसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करेंगे, टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, हाई स्कोर्स लाएंगे और फिर आपका इंजीनियर बनने का और आपकी डिजायर्ड कंपनी में रिक्रूट होने का गोल अचीव हो जाएगा। यहाँ पर आपको एकदम क्लियर करना होगा कि आप कौन से इंजीनियर बनने वाले हैं, कौन सी कंपनी, कितनी सैलरी, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी ग्रेड, एटसेट्रा। तभी तो आपका ये गोल स्मार्ट गोल होगा जिसे आप अचीव कर पाएंगे। और हाँ, या तो आप स्मार्ट गोल्स को सेट कीजिए या फिर गोल्स बनाइए ही मत। लेकिन आप कह रहे हैं कि नई गोल्स तो बनाने ही है, ये पक्का है। तो एक काम करते हैं, इसी बात पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नंबर दो पर है अपने गोल्स को लिख लीजिए। गोल्स के बारे में सोचते रहने से कुछ भी नहीं होगा, आपको उन्हें पेन पेपर लेकर के लिखना होगा ताकि वो आपको ज्यादा रियल लग सके और बार बार आपके सामने रहे। और आपको पता है, जो लोग अपने गोल्स लिख लेते हैं उनके गोल्स अचीव करने के चांसेस हाई रहते हैं, बजाय उनके जो गोल्स को लिखने में भी आलस महसूस करते हैं। इसीलिए गोल्स वाकई में अचीव करने हैं तो उन्हें लिख लीजिए, आपको फायदा ही होगा। नंबर तीन पर है अपने गोल्स को विजिबल बनाएं। आपके गोल्स लिख देने के बाद उन्हें किसी ऐसी जगह पर रखिए जहां पर आपकी नजर बार बार पड़ती हो,
ताकि आपको लगातार ये याद रहे कि आप कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। इसे आप अपने स्टडी टेबल पर, फ्रिज पर या मिरर जैसे किसी भी प्लेस पर स्टिक कर सकते हैं। नंबर 4 पर है, अपने गोल्स को ब्रेक करिए। गोल्स अक्सर लॉन्ग टर्म होते हैं और अगर गोल पूरा करना है तो उसे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करना होगा, यानी कि उन्हें डिवाइड करना होगा। इसके लिए आप एक लेडर यानी सीढ़ी भी बना सकते हैं, जिसमें पहले से लास्ट स्टेप तक पहुंचते पहुंचते आप अपना मेन गोल अचीव करेंगे। जैसे टॉप कंपनी में रिक्रूट होना आपका मेन गोल है, तो आपका पहला स्टेप है 12th में हाई स्कोर और सेकंड स्टेप होगा एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना। और इस तरह आप इसके आगे के सारे स्टेप्स नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए लिख लीजिए, जो मेन गोल पर आकर कंप्लीट हो। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपने 5-year गोल सेट किया है तो उसे आप 1-year गोल, 6 months गोल, 1 month गोल और 1 week गोल जैसे स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंटली काम करते रहिए। नंबर 5 पर आता है, अब गोल अचीव करने के लिए एक प्लान बनाइए। अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया है कि आपको कौन कौन से स्मॉल स्टेप्स के थ्रू मेन गोल तक पहुंचना है, तो फिर अब आगे हर एक स्टेप को एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्लियर प्लान तैयार कीजिए। यानी हर एक स्टेप के लिए एक प्लान, जिसमें आप ये क्लियरली समझ सके कि कैसे आप इस एक स्टेप को पूरा करने वाले हैं। नंबर 6, अब बारी आएगी एक्शन लेने की। हर स्टेप के लिए प्लान तैयार हो गया, यानी आप गोल अचीव करने के लिए तैयार हैं और इसलिए अब एक्शन जरूरी है। अरे फिल्मी एक्शन नहीं, आपकी लाइफ को ट्रैक पर दौड़ाने के लिए एक्शन। इसीलिए पूरी तरह से एक्टिव रहते हुए अपने प्लान को फॉलो करते जाइए। इस दौरान टाइम बाउंडेशन डेडलाइंस का पूरा पूरा ध्यान रखें। और हाँ, साथ में आपका एक्साइटेड और मोटिवेटेड बने रहना बहुत जरूरी है, ये याद रखिए, क्योंकि आपका सपना पूरा होने वाला है, बोले तो आप अपना गोल अचीव करने वाले हैं। नंबर 7 पर है, अपने गोल्स को इवैल्यूएट कीजिए। एक्शन लेने के बाद अपने गोल को इवैल्यूएट करना भी जरूरी होगा, इसीलिए हर स्टेप को पूरा करने के दौरान अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है, इससे आपने क्या सीखा और इस दौरान कितनी मिस्टेक्स रिपीट हुई है। उसे इम्प्रूव करते जाइए और आपका आगे का रास्ता और भी क्लियर होता चला जाएगा। नंबर 8 पर है, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। गोल लॉन्ग टर्म का है, इसीलिए बीच बीच में आप डल भी फील कर सकते हैं, थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, तो ऐसे में अगर आप बीच बीच में खुद के अचीवमेंट्स पर खुद को रिवॉर्ड देंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा, इसीलिए इस बारे में भी जरूर से सोचिएगा। नंबर 9 पर है, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखे। गोल छोटा हो या बड़ा, उसे अचीव करने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बने रहना जरूरी है, और अगर आप अपने हर स्मॉल गोल या स्टेप को पॉजिटिव वे में ही एक्सप्रेस करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपको इन 9 स्टेप्स के अलावा कुछ और भी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको मशीन की तरह परफॉर्म नहीं करना है, अपनी जिंदगी को बैलेंस रखते हुए ही आगे बढ़ना है। इस जर्नी में कई सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जिनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जर्नी है तो ऑब्स्टेकल्स नेचुरल है, इसीलिए इन्हें इजीली हैंडल करना है। और अगर किसी वजह से आप लिमिटेड टाइम पीरियड में अपना गोल अचीव करने से चूक जाए तो भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, खुद को प्रेशर में नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका गोल पूरी तरह रियलिस्टिक ना हो, इसलिए वो अचीव ना हो पाया हो, तो ऐसे में आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अपनी गलतियों को समझे और फिर से शुरुआत करे। हो सकता है इस टाइम पर आपकी गोल्स में कुछ वेरिएशंस और चेंजेस आए, तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ गोल सेट करने से डरिए मत, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। गिर जाए तो फिर उठिए और हार जाए तो फिर शुरू कर दीजिए जीत की तैयारी, क्योंकि लाइफ यही है दोस्तों, जिसमें आपका जज्बा बना रहे और इरादा बुलंद रहे। और अगर ये वीडियो आपकी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन देने में थोड़ी हेल्प कर पाया हो तो इस वीडियो को लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है तो प्लीज दूसरों को भी ये फायदा मिलना चाहिए, यानी कि आपको इसे शेयर करना चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में लिख करके प्लीज आप अपनी राय, अपना प्यार हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा कोई और सवाल है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमें लिख भेजिए। और इसी के साथ जितने भी नए लोग आज हमसे जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी ग्रोथ में हमेशा आपका साथ दे। तो रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।